जय हिंद डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, परफॉर्म द फॉलोइंग डिविजन्स, डिवाइड करना बस। ए नंबर 56 8 4 2 14 2 बी, तो इसको डिवाइड देना, बाई के बाद जो नंबर है इससे, तो डिवाइड तो देना है ना, तो 56 8 4 2 डिवाइडेड बाई, डिवाइड तो डिवीजन नीचे होते हैं ना, तो 14 स्क्वायर b है। अच्छा अब देखिए 56 में 4 कितने बार है, 14 कितने बार है, 4 टाइम्स है, तो 56 को 4 × 14 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा 8 4 को s² × s² ऐसे लिख सकते हैं, b² को b × b ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ऐसे क्यों थोड़ा, क्योंकि देखिए डिविजर में स्क्वायर है, तो इसको s² में तोड़ दिया। अच्छा b के केस में सिर्फ b है, तो इसको b × b ऐसे ही छोड़ा, तो 14 × s² × b है। अब देखिए 14 से 14 कट गया, s² से s², b से b, क्या बचा 4, नीचे कुछ नहीं तो ऊपर 4 स्क्वायर b, 4 स्क्वायर b। अच्छा ये चीज़ आप डायरेक्ट इसके बाद लिख सकते हैं, ठीक है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए ऐसा किया, ठीक है, आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। दूसरा एक रूल देखिए, 56 को तो 14 से डिवाइड देने से 4 आ जाएगी। आप देखिए s8 4 और s², न्यूमरेटर में मतलब ये डिविडेंड है और डिनोमिनेटर में मतलब डिविजर है, तो देखिए a बेस सेम ही, तो बेस जब सेम होते हैं ना, और डिवाइड के केस में हम क्या करते हैं, डिविजर की जो नीचे है यानी कि जो डिविजर होते हैं इसकी पावर डिविडेंड की पावर से माइनस होते हैं, तो डिविडेंड की पावर 4 है और डिविजर की पावर 2 है, तो माइनस होते हैं। देखिए मल्टीप्लाई के केस में इंटू होते हैं ना, तो 4 − 2 = 2 है, तो 4 स्क्वायर ऐसे ही हुआ ना, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी आप कैंसिल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी नंबर देखिए, −36 x² y² z/4 डिवाइड बाई 9 xyz, तो देखिए इजी है, 36 तो है, 9 × 4 = 36 कट जाएगी, ठीक है, तो −4 × 9 × x² × x × x × y² × y है, क्योंकि नीचे xyz है। अच्छा z^4 को हम z × z³ लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए z इसके पावर 1 है और इसके पावर 3, तो 1 + 3 वो वही 4 है। अब नीचे देखिए 9 xyz है, तो 9 से 9 कट गया, x से x y से y z से z, तब बाकी क्या, −4 नीचे तो कुछ नहीं, तो xyz³ xyz³, यह है z² होगा, यह भी z², तो z² कट गया, तो यहाँ सिर्फ z² होगा, ठीक है, और यहाँ 2 है, तो 2 + 2 = 4 है, z^4 है। अब देखिए बाकी c से i तक सॉल्यूशन यहाँ मैं डाल दूंगा, आप देखिएगा, ठीक है, इजी है, वैसे ही आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी है। आप देखिए टू नंबर, डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय द मोनोमियल, आप पॉलिनोमियल को मोनोमियल से मतलब एक एक्सप्रेशन, एक टर्म वाला एक्सप्रेशन से डिवाइड करना, बहुत इजी है। ए नंबर देखिए 14 स्क्वायर − 16 ab बाई 2 ए, बाई के बाद 2 ए, तो 2 ए से डिवाइड करना, बाई 2 ए है। अब देखिए दो तरीके है ऐसी नंबर्स डिवाइड करना, दो तरीके है, एक तो है देखिए 14 स्क्वायर − 16 ab, यह दोनों टर्म्स के नीचे 2 से आ जाएगा, दोनों टर्म्स के नीचे। दूसरा देखिए ऊपर से आप कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर से अगर कॉमन ली जाए ना, तो ऐसी होगी, नीचे तो 2 a है, ऊपर देखिए 14 में भी 2 है, देखिए 14 और 16 दोनों की एक कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2। अच्छा स्क्वायर और a में से a कॉमन ले लेना,
तो 2a इंटू यहाँ क्या बचा, 2 7 14 7 है। अच्छा स्क्वायर में से a आ गया बाहर, तो और एक a है माइनस। अच्छा 16 में से 2 आया तो बाकी रहा 8 और a तो आ गया तो अब बाकी b है तो 8b। अब देखिए 2a कट गया तो इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 7a-8b है। अच्छा दूसरा तरीका देखिए, देखिए 14 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, दोनों के नीचे 2a आ जाएगी, 16ab/2a। अब देखिए 2 7 14 ऐसे एक स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर में 8a है तो जस्ट स्क्वायर काट देना। अच्छा 2 8 16 ऐसे a कट गया तो यहाँ देखिए 7a बचा ना, माइनस है नीचे तो कुछ नहीं, 8b है। तो देखिए तरीका दोनों ही सही है, ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। अब बी नंबर देखिए 36xp+18x²-54x/18x, ठीक है बहुत इजी है। 36xp+18x²-54x/18x, तो 18x से डिवाइड करना, नीचे 18x है। अब देखिए इनसे कॉमन लेना, देखिए 36, 18 और 54 इन सब में 18 है तो एक 18 आ गया। अच्छा x³ और x में से x कॉमन ले लेना, 18x कॉमन आ गया ना। अब देखिए 36x³ से 18x आया तो 2 18 36 2 बचा, x³ से x आया तो x² बचा प्लस है। अच्छा 18 का 18 आ गया, x² का x आया तो सिर्फ x है प्लस यह माइनस है, माइनस 54 में से 18 आया ठीक है तो 3 बचा, 3 18 54 3 है तो x का तो x आ गया तो कुछ नहीं। अच्छा आप देखिए डिवाइडेड बाय 18x तो 18x कैंसिल है तो इज इक्वल टू क्या बचा, 2x² 2x² + ax - 3। क्या बात है, बहुत इजी ना, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। अब भाई c से h तक सॉल्यूशन यहाँ मैं डाल दूंगा, तो पहला पॉलीनोमियल को पहले फैक्टराइज करना और फैक्टराइज करके x माइनस 2 से यानी कि बाई के बाद जो एक्सप्रेशन है पॉलीनोमियल ही इससे डिवाइड देना, ठीक है। तो मैंने देखिए एक्सरसाइज 7.3 में ये बताया था कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज 7.4 में डिटेल समझाऊंगा। हाँ अब बारी है, अब टाइम है कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स को डिटेल समझेंगे हम, ठीक है। अच्छा तो यहाँ देखिए तीन टर्म्स हैं, स्क्वायर टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो इस पैटर्न में अगर किसी पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन मिले तो इसको हम नॉर्मली जो सबसे इजी है वो मेथड है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। मतलब यहाँ बीच में जो टर्म होगा ना, लीनियर जो टर्म होगा इसको दो और भी टर्म से यानी कि लीनियर टर्म से हम तोड़ देंगे, स्प्लिट कर देंगे, इसके बाद हम कॉमन लेकर फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। तो वो करेंगे कैसे, एक्चुअली देखिए इज इक्वल टू x² जैसा है वैसा x² बीच में सर प्लस है प्लस। अच्छा आप देखिए इस 4x को तोड़ना, ठीक है ब्रैकेट लगाना, ठीक है बाहर एक x देना, ये जो x है इस 4 को हम तोड़ेंगे यहाँ -12 डिवाइडेड बाय नीचे x-2 है। अब इस ब्रैकेट में क्या रखना, देखिए एक चीज़, ये जो 4 है इसको तोड़ देना। देखिए ये जो x है x की चिंता मत करना क्योंकि x तो बाहर है, ब्रैकेट हटाने से तो x फिर आके इसके साथ लग जाएगी। अब देखिए इस 4 को ऐसी दो नंबर्स में तोड़ देना, ऐसी दो नंबर्स में तोड़ देना
ताकि मल्टीप्लाई करने से 12 मिलना। ये जो 12 के पहले माइनस साइन है इसकी चिंता आप मत करना। ये जो मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ, मेथड सिखा रहा हूँ, इसमें साइन की कोई गुंजाइश नहीं आएगी, साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, साइन ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। तो है कैसे, देखिए इस 4 को तो हम 1+3 लिख सकते हैं ना, 1+3=4, 1+3=4 वन, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 × 3=3 है, 12 तो नहीं आ रही है ना, मल्टीप्लाई करके 12 तो नहीं आ रही है ना। अच्छा तो छोड़िए, इसको रूल आउट करिए, मतलब ये नहीं होगी। अब देखिए 2+2=4 होगा, यहाँ अगर 2+2 लिखे तब भी तो ये 4 आएगा ना, लेकिन 2 × 2=4 ≠ 12, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 5 से 1 माइनस करिए, तो 5-1=4 है, 5-1 लिखे तो भी 4 आ जाएगी, लेकिन 5 और 1 दोनों नंबर्स को इंटू करके देखते हैं, 5 × 1=5 है, तो ये 5 12 के बराबर नहीं है, तो 12 तो नहीं आ रही है ना। तो आप और एक चीज़ देखते हैं, 6-2=4 तो होगा ना, 6-2=4 तो होगा। अब देखिए 6 और 2 इंटू करके देखते हैं, 2 6 12 आ गया ना, 12 मिल गया ना, तो मतलब क्या है, यहाँ 6-2 होगा, 6-2 है। आप ब्रैकेट ओपन करने से ऑटोमेटिक साइन मिल जाएगी, देखिए 6-2 4, 4 × x 4 x 1। अच्छा तो ऐसे ही भाई कुछ देर तक आप ट्रायल कर सकते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको भी पता चल जाएगा भाई इसको कैसे तोड़ना, या आप दिमाग से तोड़ सकते हैं पहले ही, एक ही ट्राई से तोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे बार बार ट्रायल करना पड़ेगा नहीं, यकीन मानिए भाई। लेकिन आप अगर पहले बार है, नहीं है इस मेथड से सॉल्व करने के लिए, तो ऐसे ही थोड़ा सा ट्रायल करना, ट्राई करना, ठीक है। इज इक्वल टू, आप देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 × x 6x, अच्छा प्लस माइनस माइनस 2 × x 2x माइनस 12 है, डिवाइडेड बाय x-2 x-2, अच्छा इज इक्वल टू। आप देखिए इन दोनों से कॉमन लेना, x square plus 6x, इन दोनों से कॉमन लेना, ठीक है, फिर इन दोनों से कॉमन लेना, इन दोनों से अगर कॉमन ले जाए तो यहाँ सिर्फ x कॉमन आएगी, क्या कॉमन आएगी, x कॉमन आएगी, तो x इंटू यहाँ एक x आ गया और x बाकी है, x स्क्वायर ना, तो x स्क्वायर के लिए और x है, प्लस है, यहाँ देखिए x आ गया तो सिर्फ 6 बचा, तो x प्लस 6 है। अच्छा यहाँ साइन माइनस है, माइनस है, यहाँ एक नंबर की जगह रखना, और ये जो x प्लस 6 सेम लिख देना, x प्लस 6 सेम लिख दें। अब देखिए एडजस्ट करना, तो एक चीज़ देखिए, साइन की कोई टेंशन मत करना, साइन अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ कौन सी नंबर, देखिए यहाँ अगर किसी नंबर हमने रख दी ना, तो उसी ही नंबर से इन सब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है ना, अगर ब्रैकेट ओपन किया जाए तब जाके 2x-2x-12 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, या तो इसके साथ मिला लीजिए या तो इसके साथ, तो देखिए यहाँ 2x है, तो 2x पाने के लिए x के साथ कौन से नंबर मल्टीप्लाई करने से होगी, ऑब्वियसली 2, तो 2 × x 2x, 2 × 6 12, अच्छा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, साइन मिल गई, एडजस्ट हो गई। अब देखिए इसके इससे भी मिला सकते हैं, तो इस 12 को पाने के लिए 6 के साथ कौन से नंबर एंटर करना, 2, तो बाहर 2 रखना, तो 2 6 12, तो ये जो x वाला टर्म है ना 2x अपने आप एडजस्ट हो रही है, 2 × x 2x, ठीक है। अच्छा डिवाइडेड बाय नीचे x-2 है, अच्छा इज इक्वल टू। अब देखिए इन दोनों और इन दोनों में से x प्लस 6 तो कॉमन है ना, तो x प्लस 6 कॉमन ले लीजिए इनटू, इससे क्या बचा, x बचा, माइनस 2 है, इससे माइनस 2 बच रही है, x-2 डिवाइडेड बाय नीचे x-2 है, ठीक है, तो x-2 डिवाइडेड बाय x-2 कैंसिल,
काट गया, तो यह सिर्फ x प्लस सिक्स बचा। देखिए कितनी इजी ना, कितनी इजी ना। तो वही ट्रिक सब क्वेश्चन के साथ अप्लाई करना। अब बाकी सब क्वेश्चंस मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा दूंगा, आप पहले खुद ही ट्राई करना, आंसर करेक्ट आ जाए तो ठीक है, वरना मेरा सॉल्यूशन के साथ मैच कर लेना, ठीक है। तो भाई ये मेथड अच्छी लगा तो एक लाइक करना। अब नेक्स्ट फोर नंबर है सिंपलीफाई, ए नंबर 6 इंटू 4x माइनस 8y डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स माइनस 2y। अच्छा तो सिंपलीफाई करना, इसको इससे डिवाइड देना, तो एक काम करना डिवाइड है तो 6 इंटू 4x माइनस 8y डिवाइड है 3 इंटू एक्स माइनस 2y, ठीक है। अच्छा तो इज इक्वल टू, अब देखिए 3 2 6 तो पहले ही काट सकते हैं और अगर चाहे तो बाद में भी काट सकते हैं। अच्छा यहाँ 4x माइनस 8y से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ 4, तो यहाँ ऑलरेडी 2 है तो 2 इंटू 4, 4 तो कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, x बचा ना, x माइनस यहाँ 2y है। कैसे देखिए 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4 इंटू 2y, 4 टू जर 8 इंटू y, 8y, ठीक है। नीचे क्या है, x माइनस 2y है। अब x माइनस 2y, x माइनस 2y कैंसिल, तो इज इक्वल टू 2 4 जर 8। क्या बात, इजी ना, बहुत इजी। अब नेक्स्ट बी नंबर देखिए 12x स्क्वायर इंटू 49x स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6x इंटू 7x प्लस 8y, तो इज इक्वल टू 12x स्क्वायर इंटू 49x स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6x इंटू 7x प्लस 8y है, तो इससे भी 7x प्लस 8y बनाना चाहिए ताकि हम काट सकें। तो 12x स्क्वायर है इंटू, कॉमन तो नहीं ले सकते लेकिन इसको हम ऐसे ही तोड़ सकते हैं। देखिए 49 को 7x, 49x स्क्वायर को 7x होल स्क्वायर माइनस 64 को 64y स्क्वायर को 8y होल स्क्वायर, ऐसे हमने एक्सरसाइज 7.2 में सॉल्व किए थे। ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला है, प्लस पिन माइनस पिन। अच्छा ऐसे हम तोड़ सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई 6x इंटू 7x प्लस 8y है। अच्छा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 12x स्क्वायर है, 12x स्क्वायर इंटू देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो ए की जगह में 7x है, 7x प्लस ए प्लस बी, बी की जगह में 8y है, 7x प्लस 8y इंटू 7x माइनस 8y, ए माइनस बी ना, तो ए की जगह में 7x माइनस बी की जगह में 8y है डिवाइडेड बाई 6x इंटू 7x प्लस 8y, 7x प्लस 8y, देखिए 7x प्लस 8y, 7x प्लस 8y कट गया, 6 2 जर 12, x स्क्वायर x से x स्क्वायर कट जाएगी, तो इज इक्वल टू 2 इंटू x है 2x, नीचे तो कुछ नहीं, तो 2x इंटू 7x माइनस 8y, 7x माइनस 8y, क्या बात है। अब नेक्स्ट सी नंबर देखा 39a इंटू 8a प्लस 14b डिवाइड बाई 13 इंटू 4a प्लस 7a, बहुत इसी है 39a 8a प्लस 14b से हम 2 कमल ले सकते हैं, तो 2 कमल लिया तो 2 कमल लेने से 4a प्लस 7b बचेगी। अब देखिए 4a प्लस 7b नीचे 4a प्लस 7b कट गया, यहाँ देखिए 13 रिजल्ट 39, तो 39 भी 13 से कट गया, बचा यहाँ 3 ऊपर, तो 3 2 जर 6 इंटू 6 से, सिर्फ 6 से है आंसर। अब नेक्स्ट डी नंबर देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 2, बहुत सिंपल है,
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस टू है। एक्स प्लस टू काट गया तो इसे इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स के एक्स से एक्स की स्क्वायर काट जाएगा सिर्फ एक्स बचा तो नीचे तो कुछ नहीं तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री इसी भाई। अब नेक्स्ट देखिए फाइव नंबर यूजिंग द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन फाइंड द क्वेश्चन। अब लॉन्ग डिवीजन हम जैसे कि एक नंबर से दूसरे नंबर इन प्रोसेस करते हैं ना डिवाइड करते हैं ना वैसे ही डिवाइड करना। तो ए नंबर एक्स क्यू प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एटीन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। तो एक्स प्लस टू से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करना। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कैसे होते तो देखिए एक्स प्लस टू से डिवाइड देना। तो हम जैसे डिवाइड देते हैं वैसे यहाँ इस फॉर्म में लिखना। तो एक्स क्यू प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एटीन। आप देखिए पहला काम क्या है ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो यहाँ जो नंबर आएगी पहला जो टर्म आएगा ये भी पॉजिटिव होगा। अब देखिए इस एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से एक्स क्यूब मिलेगी ऑब्वियसली और एक एक्स स्क्वायर है ना तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब। दूसरा एक तरीका देखिए एक्स क्यूब को इस एक्स से डिवाइड देना। तो एक्स क्यूब में देखिए एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स है डिवाइड बाई एक्स है तो एक्स 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 काट देना तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है मतलब क्या है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इसके नीचे भी लिख देना एक्स क्यूब। ठीक है अब नेक्स्ट क्या काम करना इसके साथ और कुछ नहीं करना। तो टू इंटू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर टू से इसको इंटू करना टू इंटू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर तो टू एक्स स्क्वायर ये भी स्क्वायर वाला टर्म। तो देखिए लाइक टर्म के नीचे लिखना तो टू एक्स स्क्वायर टू इंटू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर है यह साइन क्या होगा ये भी पॉजिटिव तो प्लस है प्लस है प्लस है। अब पहला स्टेप समाप्त है तो एक्स क्यूब। अब देखिए जब हम माइनस कर जब हम डिवाइड देते हैं मान लीजिए फाइव से फोर्टी फाइव को डिवाइड देना तो हम क्या करते हैं फाइव नाइन जार फोर्टी फाइव तो फोर्टी फाइव ये माइनस होते हैं ना फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी फाइव जीरो है ऐसे करते थे ना तो यहाँ भी माइनस करना। तो यहाँ देखिए एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर दोनों टर्म्स को माइनस करना तो सिर्फ यहाँ माइनस लगाना से नहीं होगी क्योंकि एक चीज़ देखिए एक्स क्यूब माइनस प्लस टू एक्स स्क्वायर इस पूरी चीज़ को माइनस करना ना तो ब्रैकेट से बाहर माइनस लगाना। आप देखिए अगर ब्रैकेट ओपन की जाए ना तो अंदर की सब टर्म्स के साइन चेंज हो जाएगा तो ये माइनस होगी माइनस एक्स क्यूब हो जाएगी ये भी प्लस माइनस माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगी तो मतलब ये माइनस हो रही है ये भी माइनस हो रही है। ठीक है तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब गया। अच्छा सिक्स माइनस टू ये पॉजिटिव है तो सिक्स माइनस टू फोर है तो फोर एक्स स्क्वायर है समाप्त है फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट इन सब टर्म्स जैसे वैसे नीचे ले आना माइनस एक्स माइनस एटीन। अब देखिए ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो प्लस प्लस से यहाँ प्लस कर दे देना। ठीक है अब देखिए फोर एक्स स्क्वायर के साथ फोर एक्स स्क्वायर पाने के लिए एक्स के साथ कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करना। देखिए तो एक काम करना फोर एक्स स्क्वायर को इस एक्स के डिवाइड देना तो एक्स से स्क्वायर की स्क्वायर कट जाएगी तो सिर्फ फोर एक्स है तो यहाँ जस्ट फोर एक्स होगा। ठीक है तो फोर एक्स इंटू फोर एक्स फोर एक्स स्क्वायर दोनों को इंटू करके देखिए एक्स इंटू फोर एक्स तो फोर है एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है फोर एक्स स्क्वायर। ठीक है अब नेक्स्ट क्या करना टू से फोर एक्स को इंटू करना तो टू फोर जार एट इंटू एक्स एट एक्स तो ये भी लीनियर टर्म है तो एट एक्स जो है ना ये लीनियर टर्म है सिर्फ एक्स वाला टर्म तो ये भी सिर्फ एक्स वाला टर्म है तो एट एक्स है। अब देखिए यह साइन क्या होगा प्लस है प्लस है प्लस है इन दोनों को तो इंटू करके ये मिला ना तो इन दोनों के साइन प्लस है तो प्लस है प्लस है प्लस है। अब ये देखिए निगेटिव है ये भी निगेटिव इसकी साइन चेंज हो जाएगा मतलब क्या है नीचे की जो लाइन है ना ऐसे प्रोसेस में हमेशा इसके साइन ऑपोजिट हो जाएगी ये अगर यहाँ अगर निगेटिव होता माइनस होता तो ये नीचे प्लस हो जाता मतलब ये अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाता क्योंकि माइनस माइनस प्लस है फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर गया। अब देखिए ये माइनस है ये भी माइनस दोनों माइनस है दोनों नंबर्स माइनस है माइनस एक्स माइनस एट एक्स देखिए इस प्लस साइन को मत लेना तो
तो माइनस एक्स मतलब माइनस वन एक्स, तो माइनस वन माइनस एट, देखिए माइनस वन माइनस एट इज इक्वल टू माइनस नाइन होगा ना, दोनों नेगेटिव है तो दोनों को ऐड कर देना और साइन नेगेटिव लगा, तो माइनस नाइन एक्स है, इसको जैसा वैसा नीचे ले आना, माइनस एटीन है। देखिए ऊपर की टर्म्स नीचे जब हम लाएंगे ना तो इसकी साइन के साथ कोई छेड़छाड़ मत करना, जैसा है वैसा ले आना, क्योंकि साइन चेंज नीचे की जो लाइन है, नीचे की जो एक्सप्रेशन है इसकी चेंज हो रही है। आप देखिए ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस है। अच्छा नाइन एक्स पाने के लिए एक्स के साथ कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करना, तो नाइन एक्स को एक्स से डिवाइड देना, तो एक्स से एक्स कैंसिल, सिर्फ नाइन, तो यहाँ नाइन होगा। ठीक है अब देखिए एक्स इंटू नाइन नाइन एक्स है, प्लस माइनस माइनस, मतलब ये साइन यहाँ भी होगा, यहाँ सेम साइन होगा फर्स्ट टर्म में। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस है, टू नाइन जार एटीन है, तो ये प्लस बन गया, ये भी प्लस बन गया। ठीक है तो प्लस नाइन एक्स माइनस नाइन एक्स कटा, अच्छा प्लस एटीन माइनस एटीन ये भी कटा, तो रिमाइंडर जीरो है। ठीक है तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल गया, ये तो क्वेश्चन है ना, तो देयर फोर क्वेश्चन क्यूब इज इक्वल टू, क्यूब फॉर क्वेश्चन एक्स को आर प्लस फोर एक्स माइनस ऑफ नाइन, क्या बात है। मैं अब नेक्स्ट डी नंबर देखिए, बी और सी इसके बाद यहाँ मैं डाल लूँगा, आप देखिएगा। ठीक है एलेवन एक्स माइनस सेवनटीन एक्स को यार प्लस सिक्स एक्स की माइनस टू डिवाइडेड बाई ट्वाइस एक्स माइनस वन, तो इससे इस पूरा एक्सप्रेशन को डिवाइड डालो, तो देखिए एक्स माइनस ट्वाइस एक्स माइनस वन, ट्वाइस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई, यहाँ एक चीज़ देखिए यहाँ सब टर्म सीरियली नहीं है, तो देखिए पावर के हिसाब से सीरियली डिसेंडिंग ऑर्डर में टर्म्स अरेंज करना, तो क्यूब वाला टर्म पहले लिखना सिक्स एक्स क्यूब, क्योंकि इसकी पावर सबसे ज़्यादा है, इसके बाद माइनस सेवनटीन एक्स स्क्वायर, वरना सॉल्व करने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है इसके बाद इलेवन एक्स, ये पॉजिटिव है तो प्लस इलेवन एक्स, लास्ट में माइनस टू, ये कॉन्स्टेंट है। अब देखिए इसको इसके साथ कौन सी नंबर इंटर करने से ये सिक्स एक्स क्यूब मिलेगी, तो काम करना सिक्स एक्स क्यूब को ट्वाइस एक्स से डिवाइड देना, तो देखिए सिक्स एक्स क्यूब को सिक्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई टू एक्स है, तो एक्स से एक्स गया, टू थ्री जर सिक्स, तो थ्री एक्स स्क्वायर है ऊपर, देखिए तो थ्री एक्स स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा। आप देखिए टू इंटू ट्वाइस एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स क्यूब है। ठीक है अच्छा देखिए इसके बाद वन इंटू थ्री एक्स, थ्री एक्स है, वन इंटू थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो वन से इंटू करना सेम है, तो प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला टर्म ये भी है ना, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है। ठीक है अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी, मतलब नीचे की जो एक्सप्रेशन है इसकी साइन चेंज हो जाएगा, मतलब सब टर्म्स की, सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स गया, ये प्लस है, अच्छा ये सेवनटीन माइनस है, तो माइनस सेवनटीन प्लस थ्री है, ये थ्री पॉजिटिव है, इस साइन को मत देखना, इसको देखना, तो बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो सेवनटीन माइनस थ्री फोर्टीन है, तो बड़ा का साइन माइनस, तो माइनस फोर्टीन एक्स, माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर, अच्छा इन दोनों को सेम साइन के साथ नीचे ले आना, प्लस इलेवन एक्स माइनस टू। ठीक है तो देखिए क्वेश्चन की जगह में हर एक स्टेप से एक एक टर्म बनेगी, एक टर्म बनेगी। ठीक है अब देखिए माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर, यहाँ टू एक्स है, तो यहाँ कौन सी नंबर है, पहले देखिए साइन एडजस्ट करना, ये पॉजिटिव तो प्लस माइनस माइनस है, अच्छा तो टू सेवन जर फोर्टीन, एक्स से एक्स की स्क्वायर कट जाएगी, तो माइनस सेवन एक्स, देखिए माइनस है सेवन इंटू एक्स माइनस सेवन एक्स, तो सेवन एक्स है, अच्छा तो टू एक्स इंटू माइनस सेवन एक्स माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर है, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, टू सेवन जर फोर्टीन प्लस माइनस माइनस, अच्छा नेक्स्ट इससे इंटू करना, तो माइनस माइनस प्लस है, वन इंटू सेवन एक्स सेवन एक्स, तो यहाँ सेवन सिर्फ एक्स वाला टर्म ये, तो प्लस सेवन एक्स है। अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बन गया, ठीक है साइन अपोजिट हुआ, नेगेटिव है तो फोर्टीन माइनस फोर्टीन कट गया। अब देखिए ये माइनस है, तो इलेवन माइनस सेवन फोर, इलेवन पॉजिटिव, इलेवन माइनस सेवन फोर,
तो एक्स है, फोर एक्स माइनस टू है। अब नेक्स्ट देखिए, फोर एक्स है, फोर एक्स को ट्वाइस एक्स से डिवाइड देना, तो एक्स से एक्स का टू टू जर फोर है, तो जस्ट टू है, प्लस 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 टू, ठीक है। तो ट्वाइस एक्स इंटू टू फोर एक्स, फोर एक्स है। अच्छा प्लस माइनस, माइनस है, वन इंटू टू टू है, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो फोर माइनस फोर कैंसिल, टू माइनस टू कैंसिल, जस्ट जीरो है, रिमाइंडर जीरो। तो भाई आपको क्वेश्चन निकलना था ना, तो ये है क्वेश्चन, तो देयर फोर क्वेश्चन क्यू फॉर क्वेश्चन इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टू है, क्या बात है। अब बाकी दोनों की सोल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए। तो भाई वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।